साइबर अपराधियों के आगे सारे चेक एंड बैलेंस फेल। गरीब और अनपढ़ लोगों को कुछ पैसों का लालच देकर साइबर अपराधी जाल में फंसाते हैं, फिर उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर पैसा भी निकाल लेते हैं, लेकिन गरीब लोग पूरे घटनाक्रम से अनजान होते हैं, इसीलिए फंस जाते हैं। ऐसा ही एक मामला धनबाद के निरसा में सामने आया। महाराष्ट्र में हुए साइबर क्राइम के एक मामले में मुंबई पुलिस ने मंगलवार को निरसा के बेलचड़ी की जीपीएस कॉलोनी से एक अनपढ़ महिला को गिरफ्तार किया है। उसके पति दैनिक मजदूरी का काम करते हैं, उसके 3 बच्चे हैं। पति का नाम आर कुमार बताया गया है। इस घटना के बाद से तो इलाके में हड़कंप मच गया है। जिन जिन लोगों के साइबर अपराधियों ने खाते खुलवाए हैं, उनका परिवार तो परेशानी में है। जानकारी के अनुसार कुमार की पत्नी सहित अन्य आधा दर्जन महिलाओं का साइबर अपराधियों ने निरसा के फेडरल बैंक में खाता खुलवाया था। सबको कुछ ना कुछ लालच दिया गया था। खाता खुलवाने के कुछ दिन के बाद कुमार की पत्नी के खाते में 9 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। महिला के खाते में बड़ी रकम के ट्रांसफर होने के बाद ब्रांच मैनेजर ने महिला से पूछताछ की थी। महिला ने रुपए के बारे में कहा था कि वो कुछ नहीं जानती। शाखा प्रबंधक ने महिलाओं को समझाया। उनके कहने पर अन्य महिलाओं ने अपना खाता बंद कर दिया, परंतु चौहान की पत्नी लालच में फंस गई और उसे लगने लगा कि उसके अकाउंट में पैसा आया है, तो लोगों को जलन हो रही है और उसने खाता बंद नहीं कराया। महाराष्ट्र में हुए साइबर क्राइम की टो में मुंबई पुलिस निरसा पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। मंगलवार की रात महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद बुधवार की सुबह कोर्ट में पेशी के बाद अनपढ़ महिला को साथ लेकर मुंबई चली गई। साइबर अपराधी तरह तरह के कृत्य कर लोगों को फंसा रहे हैं और अपनी गोटी लाल कर रहे हैं। निरसा इलाका जामताड़ा से सटा हुआ है, इसलिए भी लोग कहते हैं कि यहाँ साइबर अपराध के मामले अधिक होते हैं। जो भी हो, बेचारी अनपढ़ महिला लालच में बुरी तरह से फंस गई। हालांकि लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में महिला के घर साइबर अपराधियों का आना जाना लगा रहता था। निरसा से विनोद सिंह की रिपोर्ट।